वाड़ी के वेल्टेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई। आईसीयू में उस समय 10 मरीजों का इलाज चल रहा था, इनमें से 4 को नागपुर के मेयो अस्पताल भेजा गया, लेकिन जानकारी है कि 4 मरीजों की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे वेल्टेड अस्पताल के आईसीयू वार्ड से अचानक धुआं निकलने लगा। अस्पताल में धीरे धीरे आग ने अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया। उस समय करीब घटना के दौरान अस्पताल में 25 मरीज थे और आईसीयू में 10 मरीज थे, जिसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को मिलते ही तेजी से बढ़ रही आग को रोकने के लिए मनपा की 3, वाड़ी दमकल विभाग की 1 और MIDC की 1 दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। आग अस्पताल के आईसीयू यूनिट में लगे एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगने का अंदेशा लगाया जा रहा है। जांच के बाद ही आग लगने के पूरे कारण का पता चल सकेगा, ऐसा कहा जा रहा है।